तो दोस्तों, आज एक बार फिर से भारत के वैज्ञानिकों ने एक बात तो साबित कर दी है कि यदि भारत के वैज्ञानिक ठान लें तो कोई भी चीज़ भारत के लिए असंभव नहीं है। दरअसल आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में हाइपरसोनिक मिसाइलों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से मार के नहीं गिराया जा सकता और ना ही कोई रडार इतनी स्पीड पर उड़ने वाली मिसाइलों को पकड़ सकती है। अब भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए था क्योंकि हमारे कट्टर दुश्मन चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें उपलब्ध थी, परंतु वो कहते हैं ना कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा हथियार नहीं बना जिसकी कोई काट ना हो, और अभी प्रेजेंट टाइम में हाइपरसोनिक मिसाइलों की केवल एक ही काट है जो कि 100% तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च होने से पहले ही तबाह कर सकती है, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। और दोस्तों, यह जो रेलगन है वो एक सामान्य तोप की तरह ही होती है, परंतु इसमें गोले को फेंकने के लिए किसी भी प्रकार के बारूद का उपयोग ना करके इसमें उपयोग किया जाता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का। और दुनिया के सभी डिफेंस एक्सपर्टों का मानना है कि यदि कोई बेहतरीन रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के साथ जोड़ दी जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में इतनी पावर होती है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च होने से पहले ही बर्बाद कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले यह खबर निकल के सामने आई थी कि जापान भारत को अपनी हाईली पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की जो टेक्नोलॉजी है वो दे सकता है, परंतु अभी इसके ऊपर कोई खबर निकल के सामने नहीं आई है। परंतु भारत के वैज्ञानिक भी शांत नहीं बैठे हैं और हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बना रहे हैं ताकि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च होने से पहले ही बर्बाद किया जा सके। और भारत के DRDO की शाखा है आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ARDE, इसकी तरफ से भारत के लिए 10 मेगा जूल वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को बना कर तैयार कर लिया गया है, और इस रेलगन के माध्यम से 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा सकता है जो कि किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल या फिर किसी भी प्रकार के ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, और इसकी जो स्पीड है वो 6 मैक से 10 मैक के आसपास होगी। परंतु भारत के वैज्ञानिक यहीं तक नहीं रुकने वाले और भारत के लिए 100 मेगा जूल वाली एक हाईली पावर रेलगन को बनाया जा रहा है जो कि लगभग 18 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल को 400 किलोमीटर तक लगभग 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर कर सकती है, और यह रेलगन इतनी पावरफुल होगी कि किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह करने की क्षमता रखती है। और एक बार यह बनकर तैयार हो गई तो चीन की फिर हर हाइपरसोनिक मिसाइलों को यह जवाब देने में सक्षम हो जाएगी। फिलहाल में आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारतीय वैज्ञानिकों को इसे बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।